हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर जेंस स्वेटर का डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये देखिए इस तरीके से बनता है, ये ऐसे तिरछा तिरछा रहता है। ये मैं बताती हूँ, ये देखिए मैंने इस पे फंदे डाल रखे हैं और ये उल्टी सिलाई मैंने बुन ली है। देखिए इसमें आगे की तरफ भी बिना उल्टा ही बिना जाता है। देखिए पहली तो हम ये उतार लेंगे और फंदा इस तरह से आगे करेंगे और फर्स्ट वाले को इस तरीके से हम सिर्फ बिनना नहीं है, सिर्फ इसको घुसा के इस पे फंदे डालकर उतार लेने हैं और दूसरे को इस तरह से सीधा बुन देना है। फिर इसको फंदे डालकर उतार लेना और एक को इस तरीके से आगे फंदा करके बिन लेना। फिर इस पे इस तरह से देकर उतार लेना है और एक को इसी तरीके से पूरी सिलाई बुनाई होगी इस तरीके से। इस तरीके से एक पे फंदे ऐसे डालकर उतार लेंगे और एक को इसी तरह सीधा बिन लेंगे। एक पे इसी तरह फंदे डालेंगे, उतार लेंगे और एक को इस तरह सीधा बिन लेंगे। एक पे ऐसे फंदा डालेंगे, एक को बिनेंगे इसी तरह पूरी। ये देखिए एक पे मैंने फंदे डालकर उतार लिए हैं और एक को इस तरह उल्टा बिन लिए हैं। इसी तरीके से पूरे को हम बनाएंगे तरीके से। ये देखिए फंदे डालकर इस तरह उतार लेंगे और फिर इसको एक को इस तरीके से बिन लेंगे इस तरीके से। बहुत ही आसान है ये, आप किसी भी जेंट्स स्वेटर पे डाल सकते हैं, फुल स्वेटर पे भी डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है ये डिज़ाइन। इस तरीके से बनाएंगे हम इस तरीके से। लास्ट में एक बचा है, इसको हम इस तरीके से सीधा बिन लेंगे जिससे कि ये बगल में सिलाई करने में हमें आसानी हो। इस तरीके से उल्टी सिलाई में हम क्या करेंगे, ये देखिए उल्टी तरफ आने के बाद ये जिसे बिने थे उसको फर्स्ट वाले को तो हम इसे उतार लेंगे और ये जो मैंने बिने थे उसको इसी तरीके से बिन लेंगे और ये जो फंदे मैंने लिए थे, फंदा लेकर उतारे थे, उसको इसी तरह छोड़ देंगे और फंदे के बाद जो ये जो है इसको इस तरीके से बिनेंगे और फंदे के बीच से इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए इसे सीधे बीनेंगे इस तरीके से, एक को बीन लेंगे और यहाँ जो ये फंदे हैं इसके इस ये फंदे यहाँ हैं इस उसको छोड़ देंगे और इसको पहले बीन लेंगे और फंदे के अंदर से ऐसे निकाल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये यहाँ तक बिनाई कर ली, आप समझ गए होंगे। ये जो फंदा है सिर्फ इसका ध्यान रखना है, यहाँ जो ये फंदे हैं इसको वैसे नहीं उतारना है, इसको बीनने के बाद उसके अंदर से इस तरह से निकालना है। इसी तरह एक प्लेन यहाँ और इस तरह यहाँ जो फंदे आ रहे हैं इसको नहीं उतारना है अभी, इसको बीनने के बाद उसके अंदर से इस तरीके से निकालना है। इस तरीके से बीनना है और फिर ये फंदे के पहले इसको बीनना है और फंदे के अंदर से निकाल लेना है। फंदे को बिनना नहीं है, सिर्फ फंदे के अंदर वाले इसको बिन के उसके अंदर से निकाल लेना लास्ट के। ये देखिए आगे का इस तरह का ये आया इस तरीके से। अभी एक बनेगा, एक डिजाइन इसको उतार लेंगे और यहाँ देखिए ये फंदे यहाँ सीधे आ गए। अब क्या करना है, इस फंदे को आगे लेंगे, एक उतारेंगे, इसको इस फंदे को इस तरीके से बिनना है इसको। ये देखिए ये दोनों को मिलाकर और फंदे और एक इसको मिलाकर इस तरीके से ऐसे बिन लेना और ये बीच वाले हैं इस पे इस तरीके से फिर फंदे लेकर उतार लेने हैं और इसको फिर ये फंदे के साथ इसको बिन देना है। ये देखिए यहाँ जिस पे फंदे नहीं है उस पे इस तरीके से फंदे लेकर बिनने नहीं है, सिर्फ उतार लेने हैं और यह जहाँ पर ये फंदे हैं उसको इस तरीके से फंदे के साथ इसको बिन लेना है दोनों को मिलाकर।
फिर जिसपे फंदे नहीं है उसको इस तरीके से उतारते जाना है और इसको फंदे के साथ बीनते जाना। ये देखिए इस तरीके से, देखिए ये फंदे हैं, इस तरीके से लेकर बीनते जाना, फंदे लेते जाने हैं, उतारते जाने हैं एक का, और इसके ये फंदे के साथ मिलाकर बीनना, जिसपे फंदे हैं उसको बीनना है और ये जो बीच के हैं इसको ऐसे फंदे डालकर उतार लेने हैं। बहुत ही आसान डिजाइन है ये, इस तरीके से बनाइए। देखिए इस तरीके से इस पे फंदे डालने हैं और इसको ये फंदे के साथ बीनने हैं। देखिए यहाँ तरीके से, और ये फंदे के साथ हैं, इसको बीनते जाना इस तरीके से, ये फंदे लेने हैं और फिर इसको प्लेन बीन देना। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, इसको थोड़ी थोड़ी दूर पे ये इस फंदे साइड में एक दो घर, ज़्यादा नहीं एक दो घर बढ़ जाते हैं, उसे साइड से घटाते चले जाएं इस तरीके से। अब उल्टा में फिर उसी तरीके से, यहाँ जहाँ मैंने फंदे लिए थे ये फंदे, यह इसको बीन कर फंदे के अंदर से इस तरीके से निकालना, और एक बीच में प्लेन है उसको इस तरीके से बीनेंगे, और जहाँ पर ये फंदे हैं उसको इस तरीके यहाँ बीन कर फंदे के अंदर से निकाल लेना ऐसे। ये देखिए इस तरीके से फंदे हैं, इस तरीके से डालकर उतारना और इसको बीनते जाना। ये देखिए फंदे हैं, इसको नहीं उतारना है अभी, ये बीनने के बाद फिर डालकर उतारना है। ये देखिए ये हल्के कलर के धागे पे बहुत अच्छे लगते हैं ये डिज़ाइन, आप बनाइए इस तरीके से। देखिए इस तरीके से बीनते जाना है और उसको उतारते जाना है इस तरीके से, ये उल्टे में ऐसे। सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखना है इसको, ये जो है फंदे के अंदर से उसको निकालना है, यहाँ ये जो है इसको इस तरीके से बीनना है, इस फंदे के अंदर से इस तरीके से निकाल लेना है। बहुत ही आसान डिजाइन है, तो बनाइए। अगर ये अच्छा लगे डिजाइन तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए नए नए डिजाइन पाने के लिए, और कमेंट कमेंट करके बताएं कि आपको ये डिजाइन कैसा लगा। इसी तरीके से ये देखिए किस तरह से उभर के आते हैं ये डिजाइन, मैं आपको एक बार और बीन के बता देती हूँ। ये फर्स्ट वाले को उतार लेंगे इस तरीके से कि यहाँ पर ये फंदे हैं, तो इसको जो है यहाँ इसको हमको एक साथ लेना है, इस पे हम फंदे डाल लेंगे और उतार लेंगे, और ये जो है जिस पे पहले से फंदे थे उसको दोनों को फंदे को मिलाकर इस तरीके से घटा लेंगे, और इस पे फंदे डालकर बीनना नहीं है उतार लेना है, और इसको ये फंदे के साथ ये ध्यान में रखिए, ये तिरछे डिजाइन होते हैं इस तरह से, तिरछे यहाँ से यहाँ ये कटते जाते हैं डिजाइन इस तरीके से, इस तरीके से देखिए इस तरीके से फंदे डाल कर उतारने हैं और इसको ये फंदे के साथ गिराते जाना इस तरीके से। देखिए इस पे फंदे लेकर उतार लिए और ये फंदे के साथ इसको घटा लेना है इस तरीके से। ये मात्र दो सलाई की डिजाइन है इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से लेकर इसको बिनना नहीं उतारना, सिर्फ इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, बस इसको फंदे के साथ बीनना नहीं है, उतारते जाना है और उस फंदे के साथ इसको लेते जाना है।
तरीके से, ये देखिए, और ये लास्ट का इस तरीके से बीन लेंगे। फिर मैं पीछे ही बता देती हूँ एक बार, और ये देखिए उल्टी तरफ, ये देखिए इस तरीके से इस पे फंदे हैं। तो मैं इसको बीन लूँगी और इसके इधर से ऐसे निकाल दूँगी, इसको बीनना है। और इसको बीनने के बाद इसको इस तरह बीन लेंगे और फंदे के अंदर से निकाल लेंगे इसी तरीके से, इस तरीके से देखिए। सब बिनना है इसको, इस तरह से अंदर से निकालते जाना। देखिए देखिए यहाँ फंदा है, इसको अंदर से डालते जाएं। ये आप किसी भी स्वेटर पे डाल सकते हैं, फुल स्वेटर बनाइए, हाफ स्वेटर बनाइए, किसी पे भी डाल सकते हैं ये। जेंट्स स्वेटर पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये। अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छे लगे तो आप कमेंट करके बताएं। अगर कोई भी हो स्वेटर से, कोई स्वेटर से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ फंदे डालकर, इस तरीके से यहाँ फंदे हैं, इसमें इस तरीके से यहाँ फंदे को इस तरीके से लेते जाएंगे। आप कमेंट करके बताएं आपको ये कैसे लगे। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, अगर आपको कोई स्वेटर से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे कमेंट कीजिए। ओके ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसी तरह से बनता है, इसको इस तरह बनाएं। ये डिज़ाइन है इसका, ये एक ऐसे इस तरफ से कटते जाता है और यहाँ इधर से ये नया बनते जाता है। ये देखिए इस तरह से ये तिरछा तिरछा जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये बनाने के लिए। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।